कारण सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अपरि भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 चैप्टर 9 ममता, ये कहानी है, विषय हिंदी। अब हम लोगों ने इसके पहले जो लेक्चर था वहां पे हमने देखा था, उसमें हमने अभ्यास कर चुके हैं आदि कहानी का, लेकिन अब जो बाकी का जो मुद्दे है वे हमें पढ़ना है। तो हमने अगले लेक्चर में क्या देखा था थोड़ी ही बात उसके बारे में बताती हूँ। तो इसमें कहानी का जो मेन पात्र, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद और जिसका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी, तो इन्होंने लिखा था। इसका जो मेन पात्र है वे ममता है और हमारी कहानी का नाम भी ममता ही है। तो यहाँ पे ममता है, वे एक जुड़ावन यानी कि जो रोहतास दुर्ग का मंत्री था उसकी एक बेटी थी, वे विधवा थी। ऐसा होता है वहां पे युद्ध होता है और इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, राजा रानी सबकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ममता वहां से चली जाती है। अब कितने सारे लोग पठान लोग है उसे ढूंढते हैं लेकिन ममता नहीं मिलती है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक झोपड़ी में एक स्त्री रहती है, वहां पे एक अतिथि आता है और अतिथि है वे युद्ध से ले लौट कर आ रहा है, वे उसकी हालत बहुत ही गंभीर है, वे बहुत ही थका हुआ है और आकर उस स्त्री के पास से आश्रय मांगता है। अब हमारा मुद्दे है अतिथि का आगमन। तो इसमें ऐसा होता है अतिथि यानी कि जो वे जो आदमी है वे स्त्री के पास आता है और वे विश्राम देने के लिए कहता है, लेकिन वे स्त्री उसे मना कर देती है, लेकिन फिर भी वह आदमी है वे कहते हैं मेरे साथी मुझसे छूट गए हैं, मैं अकेला हूँ, मैं आगे चलने के लिए सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए मैं मुझे आसरा चाहिए। अब वे कहता है मुझे बहुत ही प्यास लगी है, तब उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जो अतिथि आया था वे कौन था, मुगल था, उसको बहुत ही प्यास लगी थी इसीलिए उस स्त्री ने उसे पानी दिया। वह सोचने लगा कि ये सब दया के पात्र नहीं, वे स्त्री सोचने लगी मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, वे स्त्री और कोई नहीं लेकिन वे कौन थी, ममता। ममता सोचती है ये लोग है वे दया के पात्र नहीं है, मुझे इसे आश्रय नहीं देना चाहिए, मेरे पिता की मृत्यु के कारण ये सब लोग ही है, लेकिन वे ऐसा सोचने लगी। स्वस्थ होकर होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब मुगल है वे ममता से कहता तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, अब अगर आप मुझे आश्रय देना नहीं चाहते तो मैं यहाँ ठहरना नहीं हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं मैं सब दया के ये सब दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। अब ये ममता है वे ब्राह्मणी है, आगे ही हमने पढ़ लिया है, हमें पता है ये कहती हम लोग ब्राह्मण है, हम इतने सारे सोना का क्या करेंगे, इसलिए ममता कहती है मैं इसे अब आश्रय नहीं दूंगी, लेकिन अतिथि का सत्कार करना वे तो ब्राह्मण के लिए एक धर्म ही है, लेकिन ये तो अब उसका कर्तव्य ही है, हमारे आंगन में अब कोई भी आता है तो लेकिन हमें उसका स्वागत करना चाहिए। इसीलिए अतिथि देवो भव एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, तो उसी प्रकार ममता भी बोली ये तो मेरा कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, ममता बोली, ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, आप ठहरो। जैसे ही मुगल अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है आगे चलने के लिए, तो ममता उसे कहती है मुझे क्यों ऐसा लगेगा कि तुम मेरे साथ छल नहीं करोगे यहाँ रहकर। तब वे बोलता है छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हो तैमूर का वंशाधर स्त्री से छल करेगा। वे मुगल कहता है छल मैं तैमूर का वंशाधर मैं स्त्री से छल करूंगा, नहीं मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ।
अब ये ममता का बड़प्पन देखो, वे कहती है तुम चाहे जो भी हो पति, लेकिन तुम वहां से जाओ, कोने में रहो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, ऐसा ममता है वे इस अतिथि को कहती है। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ऐसा ममता ने सोचा कि सब अपना धर्म छोड़ दे, मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ। ऐसा वाक्य सुनकर वे मुगल है वे ममता के सामने देखता है और मन ही मन उसे नमस्कार करता है। मम पथिक है वे कोने में झोपड़ी के कोने में गया और ममता बाहर टूटी दीवारों की ओर चली जाती है। अब ममता है वे मुगल को आश्रय देती है, वो बीच में किसी दूसरी जगह वे चली जाती है। अब सुबह होता है, प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी है। ममता कहीं कोने में चली जाती है, किसी को नजर नहीं आती, और खंडहर के कोने में यानी कि खंडहर के बीच से जो जगह होती है वहां से थोड़ी सी बाहर की दुनिया दिखाई देती है, वहां से ममता देखती है और देखते तो कितने सारे अश्वारोही है वहां पे घूम रहे हैं और खुद को कोसने लगते, खुद बोलने लगते, मुझे क्या आवश्यकता थी इस मुगल को आश्रय दिया, वैसा सब कुछ ऐसे मन ही मन बोलने लगती है। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और अचानक जो ममता की झोपड़ी में एक मुगल रुका हुआ था वे बाहर निकलकर ऐसा बोला, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? जैसे ही मुगल है वे ममता की झोपड़ी से बाहर आता है तो सारे अश्वारोही बहुत ही खुश हो जाते हैं, जय जयकार बोलना बुलाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मुगल बाहर आता है वे बोलता है, वे स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई। वे मुगल बोलने लगा, उस स्त्री को खोज निकालो। तब ममता को ऐसा हुआ कि मुझे तो छुप ही जाना चाहिए, इसीलिए ममता है वे मृगदाव में चली गई। मृगदाव का अर्थ होता है कि शिकारी से छिपकर जो जंगल की ओर मृग चले जाते हैं यानी कि हिरण चले जाते हैं, वहां ममता चली जाती है हिरणों के जंगल में। दिन भर उसमें से न निकली, संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। सारा दिन ममता वे मृगदाव में ही रही, उस जंगल में ही रही, सारा दिन पूरा हो गया, लेकिन शाम होने आई ममता बाहर भी नहीं निकली, संध्या होने लगी। ये मुगल और उसके साथ जो घोड़े अश्वारोही थे वे अश्वारोही सब जाने के लिए तैयार हो गए। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, पथिक यानी कि जो मुगल था वे अश्व पर सवार यानी कि घोड़े पर सवार होकर वे बोल रहा था, क्या कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। ये बहुत ही अच्छी कहानी, याद रखना छात्र, यहाँ पे मुगल ऐसा बोलकर चला जाता है कि मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, इसीलिए ये जगह को तुम याद रखना, इस जगह को तुम भूलना मत। इसके बाद वे सब वहां से चले जाते हैं। अब चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए, चौसा के मुगल इसका जो युद्ध हुआ था इसका कितने सारे दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, 70 यानी कि देर, ममता 70 साल की हो गई है, 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, कितने सारे दिन बीत गए युद्धों के बारे में, युद्ध भी चला गया, बात को कितने साल हो गए, लेकिन एक दिन वे झोपड़ी में बैठी थी। शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंताल खांसी से गूंज रहा था, उसके शरीर में खांसी हुई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके लिए सुख दुख की सहभागी बन रही थी। ममता अब 70 साल
बहुत ही दुखी अवस्था में है, वे वृद्ध हो चुकी है और इसके खांसी भी हुई है, इसीलिए उस गांव की दो तीन स्त्री है ये उसके ख्याल रखने के लिए वहां पे थी, क्योंकि ममता ने भी दूसरे के सुख दुख में साथ दिया था। इसलिए ममता ने कहा, ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीधे सीपी से जल पिलाया, सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अब ममता को जल पीना था, इसलिए उस स्त्री ने उसे जल दिया, लेकिन एक अश्वारोही उसके द्वार पर खड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, एक अश्वारोही आया और वे कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, यह बुढ़िया मर गई होगी, अब किसके पूछूं कि एक दिन शेर शाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हुई। ममता अब जीवित है, लेकिन जो मुगल ने कहा था कि इस स्थान को भूलना मत मिर्जा, यहाँ मैं स्त्री को कुछ दे न सका। तब एक अश्वारोही आता है, ममता है, बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, 47 साल पहले की बात है, और वे वहां आकर बोलता है, अब मैं किसे पूछू, वह स्त्री तो मर चुकी होगी, शायद जगह तो यही है, ऐसा अश्वारोही बोलता है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। ममता ने सुना कि ये अश्वारोही कोई है, वे ऐसा बोल रहा है, इसलिए ममता ने उसके पास जो स्त्री बैठी थी उसे बोला कि तुम उस अश्वारोही को बुला कर लाओ। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शेरशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। ममता ने उस अश्वारोही को बताया, मैं ऐसा तो नहीं जानती कि जो आश्रय लेने के लिए आया था वे शेरशाह था या कोई मुगल था, लेकिन एक दिन ये इसी झोपड़ी के नीचे उन्होंने आश्रय लिया था। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता कहती है, कितनी बढ़िया कहानी, ममता कहती है, यहाँ पे वह आया था एक दिन, एक रात रुका था विश्राम करने के लिए, अब यहाँ पे महल बनाओ या तो मकान बनाओ, ये सब मैं यहाँ से छोड़कर चली जाती हूँ। बुढ़िया ने अश्वारोही से कहा, यहाँ पे एक दिन एक मुगल आया था और उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, तुम यहाँ महल बनाओ या मकान, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं तो चिर विश्राम में जा रही हूँ, यानी कि लंबी समय के विश्राम के लिए जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेर उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया, और जैसे ही ऐसा बोली इतने ममता की मृत्यु हो चुकी। अश्वारोही ऐसे ही आश्चर्य से खड़ा हो रहा है, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना, ममता की मृत्यु हो गई, अब वहां पे अष्टकोण एक मंदिर बना और उस शिलालेख में लगाया गया, एक बहुत ही बढ़िया अष्टकोण मंदिर बनाया और उसमें एक शिलालेख के अंदर कुछ लिखा, वे क्या था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। सातों देश के नरेश जो हुमायूं है उन्होंने एक दिन यहाँ पे विश्राम किया था, उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। क्या हुआ, मुगल ने वहां पे विश्राम किया, उसके बारे में, उसकी याद में उसके बेटे अकबर ने यहाँ पे गगनचुंबी मंदिर बनाया, लेकिन वहां ममता का कोई भी नाम न था, सिर्फ इतना ही बनवा दिया कि यहाँ पे वो हुमायूं ने विश्राम किया था, लेकिन ममता के बारे में एक भी शब्द लिखाया गया नहीं था। यहाँ पे इस प्रसाद जी रचित इस कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी में कितनी बहुत ही बढ़िया, एक ब्राह्मणी यानी कि ममता ने उस मुगल को आश्रय दिए दिया और मुगल भी कह कर गया था कि यहाँ मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका, इसलिए तुम इस स्थान को भूलना मत, लेकिन जब वहाँ पे अष्टकोण मंदिर बनता है तो सिर्फ उसके शिलालेख में इतना ही लिखा जाता है कि यहाँ पे
शेरशाह नरेश यानी कि हुमायूं ने यहाँ पे विश्राम किया था उसकी याद में अकबर ने ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, लेकिन ममता के बारे में कुछ भी लिखा नहीं था।